अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन अली और आज हमारे साथ हैं द बिग मैन, मैन ऑफ द मैच एंड द मैन ऑफ द मोमेंट, जिन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और इस्लामाबाद यूनाइटेड को किविन में कलीदी किरदार अदा किया। तो लेट्स लेट्स हैव सम यू नो द वर्ड्स फ्रॉम की ना है आपका आज़म खान। अस्सलाम मेरा वालेकुम नाम आज़म। हसन अली आएगा। आज माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत इजी नहीं थी। अर्ली ऑन हमारे विकेट्स भी चले गए, फिर पिच भी उस तरह का बिहेव नहीं कर रहा था। सो आप अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड किया, आपकी थॉट क्या थी और आसफ़ भाई के साथ क्या बात हो रही थी? जी हसन भाई, जिस तरह आपको पता है हम लोग 70 और के करीब 3 आउट हो चुके थे हमारे, और जब मैं बैटिंग करने गया हूँ तो अज़हर भाई से बात हो रही थी। ही वॉज लाइक के अपना थोड़ा सेट हो जाओ पहले, फिर जो तुम्हारे जोन में बॉल आया उसको पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओ, और वही हुआ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस गई। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, और बाकी आप जैसे लोगों की सपोर्ट है पीछे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे परफॉर्म करें। आज़म, हमारी तो दुआ है कि आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान के लिए खेले और लंबा खेले। आज़म, अभी आपकी इस पूरी इनिंग में माशाल्लाह हर शॉट बहुत अच्छी थी और आपने कुछ ऐसी शॉटें थी जिनको क्रिएट किया और ख़ुद जो है वो इवन के बहुत अच्छे बॉल थे, बट एक शॉट ऐसी थी जिसको लोग भी बातें कर रहे, हमारे ड्रेसिंग रूम में भी हो रही थी, दूसरे ड्रेसिंग रूम में भी हो रही थी, और उस शॉट का बहुत चर्चा है। जो आपने वो बैठ के ऐसे स्वीप नहीं मारी जो छत के ऊपर से गया था, तो आई नो मैं आपको नेट में बॉलिंग कर रहा हूँ, तो क्या उसमें आपने प्रैक्टिस किया वहाँ पे? क्योंकि मेरे सामने तो मैंने देखा आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या क्या खसूसी प्रैक्टिस कर रहे हो शॉट के लिए? हसन भाई देखें, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और जब भी एकेडमी भी जाके खेलता हूँ तो नई नई इनोवेशन ट्राई करता रहता हूँ, जिसमें मुझे पता है कि इसमें मैं पक्का हो गया, तो फिर मैं मैच में अप्लाई करने की करता हूँ कोशिश। पहले मैच में जिस तरह मैंने मूसा को स्कूप मारा था, वो आपको पता है मैं इससे पहले आज तक मैंने कभी स्कूप मारी नहीं, तो कोशिश यही होती है कि नई नई इनोवेशन ट्राई करते रहें इंशाल्लाह। और क्योंकि बॉलर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ से, जब आपके पास दो तीन नई शॉट्स आ जाती हैं तो फिर बॉलर के पास बहुत लिमिटेड बॉलें रह जाती हैं करने के लिए, तो उसमें जब आप इम्प्रोवाइज़ कर दें तो बॉलर के ऊपर हावी हो जाएं तो फिर आपकी जीत होती है। बिल्कुल आज़म, ये तो बात जो है ना ये बिल्कुल ठीक है कि इनोवेशन करनी चाहिए ताकि बॉलर्स को जो है ना अपसेट ना होने दें, और कभी अगर मैं सामने आ गया तो मुझे आराम से खेलें। अच्छा आज़म, वेरी सीरियस क्वेश्चन, यू वर प्लेइंग फॉर कोटा ग्लैडिएटर आई थिंक 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, बट देन सिंस लास्ट 2 ईयर्स यू केम इन इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर चला गया। इज देर एनी डिफरेंस इन द फ्रेंचाइज और आपका माइंड सेट था, या क्या क्या ऐसी चीज़ थी? हसन भाई, जिस तरह आपको पता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में एक वालिद साहब का एक आपको पता है एक अलग से प्रेशर है वो होता है, तो और आपको पता है कि वालिद साहब को सेटिस्फाई करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आप जितने भी रन कर दो आपके वालिद साहब यही कहेंगे कि आप और कर सकते थे, तो वो आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। लेकिन इन दी एंड जैसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि जहाँ मैं अपने अब्बू के शैडो से बाहर आके खेल सकूँ, और मैं काफ़ी फ्री माइंडेड हो गया, क्योंकि यहाँ जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में आऊँ तो शादाब उज़्ज़मान जिसने मुझे अप्रोच किया था कि टू कम एंड प्ले फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर इतने अच्छे टीममेट्स मिले, आप जैसे लोग मिले को जो सर, माशाल्लाह से जो हमेशा से पॉजिटिव हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, और कोशिश हमेशा से यही होती है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ खेलेंगे तो मेंटली भी आप पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्विकली, लास्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गए थे कॉलिंग मनरो, और उनसे ये क्वेश्चन हुआ था कि आज़म खान बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उन्होंने बोला था कि आज़म खान जैसा प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है? तो कितनी मोटिवेशन मिलती है ऐसे कि बड़े स्टार्स जो बाहर से आके आपके बारे में इस तरह बोलते हैं, यू आर टू यंग माशाल्लाह, और जिस तरह की फॉर्म है या जिस तरह आप खेल रहे हैं, तो आपको कितनी मोटिवेशन मिलती है जब बाहर के स्टार्स जो हैं वो बड़े स्टार्स आपके बारे में इस तरह बात करते हैं? हसन भाई, बहुत खुशी होती है जब आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर्स आके, एक तो हमारा ब्रांड आपको पता है माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया, और फिर जब उसमें परफॉर्मेंस आप देते हैं, क्योंकि लोकल प्लेयर्स का काफ़ी एक इम्पैक्ट होता है फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, और जिस तरह आपको पता है कि
जो पाकिस्तान टीम में भी प्लेयर्स मौजूद हैं, जो करंट मेंबर्स हैं पाकिस्तान टीम के, दे ऑल केम थ्रू फ्रॉम PSL. तो PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर आप परफॉर्मेंस करें तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की नज़रों में भी आते हैं एंड दे अप्रोच यू फॉर डिफरेंट टूर्नामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वहां पे भी जब आप जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है. फिर आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं डोमेस्टिक खेल के, फॉरेन लीग्स खेल के, तो आप फिर रेडी जाते हैं, आप हर सिचुएशन के लिए फिर रेडी होते हैं. तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और इससे आपको पता है कि आप परफॉर्मेंस अपनी डबल करने की कोशिश करते हैं. तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि परफॉर्मेंस अपनी अच्छी से अच्छी करूँ. चले जी, हमारे साथ थे आज आज़म खान, मैन ऑफ द मैच, और हमारी दुआ है कि आज़म भाई, आप आज़म खान साहब, आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाते रहें और लोगों को इंटरटेन करते हैं. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले मैच में किसी न्यू स्टार के साथ. अल्लाह हाफिज़.